इस वीडियो में मैं आपको कोड की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं वो बताऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्लिप्स में हेल्प सेक्शन आता है, इधर हम एक्लिप्स में मार्केट प्लेस पर जा सकते हैं। सर्च बार में हम सोना लिंट लिखेंगे, और एंटर कर देंगे। जैसा कि मैंने इसको पहले से ही इंस्टॉल्ड करके रखा हुआ है अपने सिस्टम में, इसीलिए ये यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, लेकिन आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके कोड में अगर कुछ डिफेक्ट है या कुछ क्वालिटी इशू हैं तो उनको फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल है ये प्लगइन। ठीक है, तो जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो अब हम इसको यूज़ कैसे करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे अपनी हेलो वर्ल्ड मॉडल इस क्लास के लिए कोड क्वालिटी चेक करनी है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, सो इन करूँगा, पैकेज एक्सप्लोरर पे जाऊँगा। वहाँ पे जब हम इस फाइल को फाइंड कर लेंगे तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सोना लिंट एनालाइज का ऑप्शन आता है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास पूरी सोनार की रिपोर्ट आ गई है, यहाँ पर इसने जनरेट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे प्रॉपरली बता रहा है कि मेरे इस कोड में कहाँ पे क्या इशू है। मैं अगर देखना चाहता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो उसने मुझे बता दिया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलो नहीं कर रहा है ये मेरा मेथड, तो मुझे इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसे फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे ये जानकारी लेनी है, तो मैं रूल के डिस्क्रिप्शन पे चले जाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेथड का नेमिंग कन्वेंशन मैंने यहाँ फॉलो नहीं किया है, इसीलिए इसने प्रॉब्लम इसमें बताई है। तो अब इसने कॉम्प्लाइंट सॉल्यूशन में मुझे सजेशन भी दिया है कि मैं इस तरीके का रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न फॉलो करूँ, तो जी मेरे में यहाँ पर कैपिटल है, मुझे उसको स्मॉल करना होगा। मैं इसको फाइल को सेव कर दूँगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट दूसरा क्या इशू है। अब ये कह रहा है कि हमारी फाइल में बहुत से अनयूज्ड इम्पोर्ट्स हैं जो हमें हटाने चाहिए। हम अपनी फाइल में ऊपर स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं जहाँ पे हमारे अनयूज्ड इम्पोर्ट्स होते हैं वहाँ ये येलो कलर का हाईलाइट कर देता है। जब हम अपने फाइल से अनयूज्ड इम्पोर्ट्स हटा देंगे और इस फाइल को जब दोबारा सेव करेंगे, इसके बाद जब हम दोबारा से अपनी सोनार लिंट की रिपोर्ट जनरेट करेंगे, तो आप देखिएगा इसमें इशूज़ जो इसने रिपोर्ट किए थे वो अब कम आएंगे। अब इसमें सारे इशूज़ फिक्स हो चुके हैं, इसलिए इसने बोला है कि अब कोई इशू बाकी नहीं है हमारी फाइल में, अब ये फाइल प्रॉपरली रेडी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारा सोनार लिंट का प्लगइन है बहुत यूज़फुल है, बहुत हेल्पफुल प्लगइन है, इसको आप कोड क्वालिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लगइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि जो अनवांटेड पीस ऑफ कोड होता है हमें उसको कमेंटेड भी नहीं रखना चाहिए, उसको भी हमें हटाना चाहिए।